मैडम, ये स्लोगन यहाँ पर सभी ने उठा रखे हैं और इस पर कुछ हुजूर के फरमान लिखे हुए हैं और दीन इस्लाम को लेकर बातें लिखी हुई है, क्या मैसेज है इस रैली? अस्सलाम वालेकुम, आज ईद मिलादुन नबी है और अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसको सेलिब्रेट करते हैं, तो हमने सोचा कि हम हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कई भी बातें हैं, जो उनकी हदीसें हैं, जो उनकी सेइंग्स हैं, जो उन्होंने नसीहतें दी है, उसको हम अपने हाथों से लिख कर लाए हैं। कई सो हमने ऐसे कार्डबोर्ड्स पर लिखा हुआ है कि हम लोगों को एनकरेज करें कि हम अपने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फॉलो करें, क्योंकि उन्होंने जो बातें कही है वो सिर्फ कोई एक समाज को लेकर या किसी एक कुछ ही लोगों के लिए नहीं है, वो पूरे जहान के लोगों के लिए है, जहान के लोगों के फायदे के लिए बातें की गई है। जैसे आप सोशली जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, आपको धोखा मत दो, बिजनेस कैसे करना चाहिए, घर में कैसे रहना चाहिए, अपनी बीवी बच्चों के साथ आपको कैसा बिहेव करना चाहिए, दोस्तों से कैसा बिहेव करना चाहिए, हर एक चीज के बारे में उन्होंने नसीहत दी। आप क्या खाइए, क्या पीजिए, कैसा पीजिए, सबके बारे में नसीहत है जो लोगों की जिंदगियों में सोशली उनको फायदा पहुंचाती है। तो ये आज का जो माहौल चल रहा है, इसमें लोग एंजाइटी में, डिप्रेशन में, एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, एक दूसरे से चिढ़ रहे हैं, एक बहुत नेगेटिव माहौल है, तो उसमें एक पॉजिटिव अप्रोच जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि हम कैसे पॉजिटिवली जिंदगी जी सकते हैं, लोग कैसे पॉजिटिवली जिंदगी को हम आगे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, तो हमने उसी को लिख कर लेकर आए हैं हम लोगों को एनकरेज करने के लिए कि आप इसको फॉलो कीजिए और इंशाल्लाह आपसे हर साल हम ऐसी क्रिएटिव चीजें करेंगे जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को हम आगे एनकरेज कर सकें। प्रॉफिट फॉर ऑल, कुरान फॉर एवरीवन, लेकिन दुनिया में जिस तरह से लोगों के जो तरबियत हो रही है, ये लोगों का जो कैरेक्टर है, कहाँ चूक हो रही है कि कुरान फॉर एवरीवन और प्रॉफिट फॉर ऑल का मतलब नहीं हो पा रहा है? देखिए, अभी सबकी तरबियत और इस पे तो अलग अलग समाज है, अलग अलग लोगों की कल्चर है, वो फॉलो किया जाता है, बट जो हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने जो चीजें लिखी है, जो चीजें बोली है, वो पूरे जहान के लोगों के लिए, एक सोशल मैसेजेस भी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे दिए कि आप बिजनेस कैसे करें, ये छोटी छोटी चीजें जो है जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है आपकी लाइफ में, आप अपने घर में कैसे रहे, अपने दोस्तों से कैसे रहे, बाहर जाए तो ऊंची आवाज में बात ना करें, नीचे आवाज में बात कीजिए, अच्छे से बिजनेस को आगे बढ़ाइए, कैसे बढ़ाइए, क्या पीजिए, दूध पीजिए, जो भी सारी चीजों में हमें अपनी लाइफ जीने के तरीके बताकर आप उसको हम फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह लाइफ में बहुत पॉजिटिव अप्रोच आएगा। मैडम, लीडरशिप को लेकर भी काफी मैसेज है हुजूर पाक के, तो उस लीडरशिप को किस तरह से मुसलमानों ने फॉलो करना चाहिए जो उनके बताए हुए तरीके? देखिए, एक बात बोलूं, नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कई साहबा जब जब बाजारों में जाते थे तो लोग उनके बाद तंज करते थे कि इनके वही नबी है जो बैतुल खला, बाथरूम या इस्तंजा कैसे करते हैं ये बताते, पेशाब जैसा बोला जाए, तो साहबा और बड़े बड़े और आलिम दीन उनका यही जवाब रहता था कि हाँ, हमारे ही वो नबी है जो बादशाहत मतलब लीडरशिप कैसे करते और बाथरूम कैसे करते ये भी बताते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी बातें कही है वो दुनिया की भलाई के लिए की है, क्योंकि उनके ऊपर खिताबी रहमतुल आलमीन था, तो इसलिए उनकी जो भी बातें वो इंसानियत की भलाई के लिए, जो उसे अपनाएगा वो कामयाब हो जाएगा।